नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश में हालिया चुनावी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को उनका प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का फैसला लिया। पहले इस पद पर कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ थे, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान 50 साल के जीतू पटवारी को मिली है। 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बहुत सारे पत्रकार इसे कांग्रेस की स्मार्ट मूव मान रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि कांग्रेस न्यू जनरेशन की तरफ अब आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारे लोग इसकी तुलना बीजेपी की हालिया हुई जनरेशनल शिफ्ट से कर रहे हैं, जो बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर की है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बीजेपी की जनरेशनल शिफ्ट और कांग्रेस की जनरेशनल शिफ्ट में आखिर क्या डिफरेंसेस है, जिसके कारण असली खेल तो कमलनाथ नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के साथ एमपी में होने वाला है, वो कैसे, हम ये इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने ये लिखा हुआ है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारा चैनल काफी नया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दीजिए ताकि हम और यूट्यूब पे ग्रो करने में इससे आसानी मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। कमलनाथ इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। एमपी में उनका लंबे समय से दबदबा है। यहाँ तक कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने एमपी में हर जगह जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के किले में सेंध तक नहीं लगा पाई। छिंदवाड़ा की सभी के सभी 7 विधानसभा सीटें बीजेपी कांग्रेस से हार गई, जिससे यह पता चलता है कि छिंदवाड़ा की जनता आज भी कमलनाथ पर उतना ही भरोसा करती है जितना वो पहले करती थी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान सभी 4 राज्यों में राज्य विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेतृत्व को सभी अधिकार और खुली छूट दी थी, जिसमें राजस्थान और एमपी का नेतृत्व 2 वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और कमलनाथ ने किया, जिसके चलते हार का ठिकरा कमलनाथ और अशोक गहलोत के सिर पर फोड़ा जाना चाहिए। लेकिन यह थोड़ा ट्विस्ट है। राजस्थान में यह सही है क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत ने ही सब कुछ संभाला, लेकिन इसके विपरीत मध्य प्रदेश में यह दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का संयुक्त प्रयास था, क्योंकि उम्मीदवारों को टिकट वितरण इन दोनों ने किया था, इसीलिए सीएम पद के उम्मीदवार का चेहरा कमलनाथ होने के बावजूद इसमें गलती दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों की बराबर की थी। लेकिन इसके बावजूद बस कमलनाथ को इसका जिम्मेदार ठहराया गया और कांग्रेस ने एक नया नाम जीतू पटवारी को चुना। जीतू पटवारी कौन है? तो जीतू पटवारी कांग्रेस के 2013 से चुने गए एक विधायक है। 2023 के इलेक्शन में लेकिन वो बीजेपी से हार गए थे। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिसका मतलब है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी यह पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि आज भी कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर फैसले राहुल गांधी के मुताबिक ही होते हैं और राहुल गांधी ही लेते हैं, जिसका असर स्थानीय बूथ स्तर के पार्टी के लोगों पर पड़ सकता है और खास करके जो वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर है उनके भी ऊपर ये पड़ सकता है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक यह संदेश जाने लगा हुआ है कि भले ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों इसमें उतने ही जिम्मेदार थे कांग्रेस पार्टी की हार के लिए, लेकिन कमलनाथ जी को ही एक टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि दिग्विजय सिंह को काफी हद तक बचाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी लाइन के वरिष्ठ नेताओं के भीतर भी एक और गलत संदेश दिया गया है कि यदि वे राहुल गांधी की आलोचना करते हैं, भले वो किसी विशेष मुद्दे पर हो, किसी विशेष विषय पर हो, किसी विषय पर वो टिप्पणी करते हैं, अगर वो उनका विरोध करते हैं तो वो दरकिनार कर दिए जाएंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार से हार गए थे और इसके बाद भी कांग्रेस ने उनके नाम पर भरोसा किया, जिससे पार्टी के भीतर एक गलत संदेश भी गया कि अगर पार्टी अध्यक्ष खुद चुनाव हार गया है तो वह दूसरों को 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए कैसे मोटिवेट करेगा। अब हम अपने मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि भाजपा का पीढ़ीगत बदलाव और कांग्रेस का पीढ़ीगत बदलाव ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है। बीजेपी ने भी मोहन यादव को चुना, जो सबसे पहली बात तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। दूसरी बात यह है कि वह मध्य प्रदेश के अंदर के किसी खास समूह से नहीं आते, तो जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है उसको बहुत ज़्यादा हवा मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। और सामान्य लोगों की तरह कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि मोहन यादव मोदी जी से बहुत करीबी रिश्ते होने के कारण उनको चुना गया है, क्योंकि हर कोई जानता है कि उनका नाम सीएम पद के दावेदारों की सूची में भी नहीं था।
इससे आम लोगों को भी सीधा संदेश गया है कि सामान्य कार्यकर्ता भी भाजपा में नेता बन सकता है, जबकि कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना हुआ है जो पहले से राहुल गांधी की करीबी माने जाते थे। इलेक्शन से पहले से उनका नाम राहुल गांधी की करीबी में जाना जाता है। इसके अलावा कांग्रेस के जो भी विधायक मध्य प्रदेश में जीते हैं, उन्हें पता है कि वो विधायक जीते ही कमलनाथ जी के कारण है। कमलनाथ जी ने उनको टिकट बंटवाए थे, उनका प्रचार किया था, वो जीते थे। तो विधायकों के बीच ये एक साफ तौर पर मानसिकता है कि वो कमलनाथ जी की वजह से जीते हैं, ना कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की वजह से, क्योंकि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कभी उतनी ज़्यादा उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में। तो यह भी एक साफ सीधा संदेश है। जबकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा के विधायकों को ये पता है कि भले ही उनका चीफ मिनिस्टर का फेस कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग है। मोदी जी का एक बड़ा चेहरा उनके पास है जिसके भरोसे वो चुनाव जीतते आ रहे हैं और वो आगे भी जीतेंगे। तो इसीलिए उनको जो स्टेट लेवल लीडरशिप है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, वो उस मायने में काफ़ी हद तक सेफ है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये काफ़ी बड़ी परेशानी की बात है कि अगर उनके खुद के विधायक अगर दिल के अंदर ये मानना चालू कर दें कि वो कमलनाथ गुट से है, तो उस केस में जीतू पटवारी किस तरीके से कांग्रेस के जो गठबंधन है उसको कैसे बनाएंगे, उसकी स्थिति सुधारेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर जो बूथ लेवल पार्टी कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से विश्वास में लेंगे, यह देखना काफ़ी दिलचस्प बात होगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि 2024 में निश्चित तौर पर एमपी में टिकट बंटवारे को लेकर और रस्साकशी देखने को मिल सकती है। और इस बार यह खींचतान बस कमलनाथ गुट या दिग्विजय गुट के बीच नहीं होगी, तो इस बार ये खींचतान एक तरह कमलनाथ गुट होगा, एक तरह दिग्विजय सिंह का गुट होगा और तीसरी तरफ कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व होगा। तो ये तीनों के बीच में ये लड़ाई हमें देखने को मिल सकती है। और जो मैं कह रहा था, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि जो पीढ़ीगत बदलाव बीजेपी ने किया हुआ है और जो पीढ़ीगत बदलाव कांग्रेस कर रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। और कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में अपना सिरदर्द बढ़ा लिया है, यही मैं कहूँगा। और अगर उनको पीढ़ीगत बदलाव करना ही था तो वो शायद से किसी और ऐसे नेता को चुन सकते थे जो ऑलरेडी 2023 के अंदर जीत चुका हो, ताकि एक जो वाइड स्प्रेड मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच में जाता था वो काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव जाता था। तो हमें देखना पड़ेगा कि 2024 में इसमें इसका क्या इम्पैक्ट होता है।